हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी डेकोरेशन का एक बहुत ही इजी और यूनिक आइडिया। तो आज हम अपने कान्हा जी को फूल बंगले और झूले में बिठाने वाले हैं, तो चलिए फिर सजावट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वॉल की डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने किस तरीके की साड़ी ले ली है, और ये एकदम न्यू साड़ी है जो मेरे पास रखी हुई थी, और इससे हम यहाँ पर वॉल डेकोरेट करेंगे। तो इसे मैं सेलो टेप की हेल्प से अच्छे से वॉल पे लगा दूंगी। यू कैन इवन यूज़ एनी दुपट्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल पे मैंने साड़ी को कुछ इस तरीके से लगा लिया है, एंड यहाँ पे मैंने इसको सेलो टेप से पेस्ट करते हुए लगाया है। ये देखिए, बीच में से राउंड में दिया है और साइड से हमने इसको लटकते हुए यहाँ पर छोड़ा है। और इस तरीके से आप भी अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी नया दुपट्टा या साड़ी लेकर। अब यहाँ पे मैं वॉल के डेकोरेशन में एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये है हैंडमेड पेपर फ्लावर्स। तो ये पेपर फ्लावर्स स्पेशली जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए मैंने खुद ही बनाए हैं। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेपर फ्लावर्स हैं, जिनके सेंटर पे ग्लिटर शीट के सर्कल मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं, और जब ये आप वॉल पे लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। मैंने लास्ट ईयर क्रिसमस के लिए गार्लैंड बनाना सिखाया था, उसमें भी मैंने इसी तरीके के फ्लावर्स का यूज़ किया था, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आपको फ्लावर कैसे बनाना है उसका आइडिया भी मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम इन फ्लावर्स को कुछ इस तरीके से वॉल पे सेट कर देंगे। आप इस तरीके की चीज़ें बना के वॉल्स पे लगाएं और भी निखर के आएगी आपकी जन्माष्टमी डेकोरेशन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से गैप मेंटेन करते करते प्रॉपरली सभी फ्लावर्स को लगा लिया है। तो आइए अब हम डेकोरेट करते हैं फ्लोर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके के कलर्स ले लिए हैं। आप जो भी रंगोली कलर्स या होली कलर्स होते हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए, थ्री डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो यहाँ पे मैं फ्लोर पे अच्छे से लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं ये कलर ले रही हूँ, ये किस तरीके का रेड एंड पिंक शेड है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा फ्लोर पर लगने के बाद, बहुत ही ज़्यादा खिल के आ रहा था ये। इसके आसपास हम येलो और रोज पिंक कलर भी लगाएंगे। इस तरीके के जो ये होली कलर्स होते हैं सबके घर में मिल जाते हैं, और इससे अगर आप डेकोरेशन करेंगे तो आपकी डेकोरेशन और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से होगी। और आगे जो भी हम इसमें फूल बंगला और जो भी झूला होगा वो रखेंगे, सब कुछ हैंडमेड होगा, और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे येलो और रोज़ पिंक दोनों कलर्स हमने फ्लोर पे अच्छे से लगा लिए हैं, और अब यहाँ पे मैंने ये सुंदर सा झूला भी लगा दिया है। इसका ट्यूटोरियल लास्ट ईयर ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और देखिए इस पे आप कान्हा जी को कुछ इस तरीके से झुला सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को। और इसमें मैं इस डेकोरेशन में कान्हा जी को नहीं बैठाने वाली हूँ, मैं दूसरा झूला है स्टैंड टाइप का उसमें बिठाऊँगी। इस तरीके के झूले में हम जन्माष्टमी के वक्त ही कान्हा जी को झुलाते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पे आइडिया देने के लिए लगा दिया है। बाकी मैं स्टैंड वाले में ही कान्हा जी को रखने वाली हूँ इस डेकोरेशन में। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जो स्टैंड वाला झूला था ये हैंडमेड है, ये यहाँ पे लगा दिया है, और इसका ट्यूटोरियल भी कुछ टाइम पहले ही मैंने शेयर किया था, आई थॉट सो हरियाली तीज के आसपास ही। और अब यहाँ पर ये बड़ा सारा हमारा फूलों का घर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है। इसका वीडियो भी आपको क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट में मिल जाएगा। और जो नॉर्मल लीफ और फ्लावर गार्लैंड्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पे बाउंड्री के तौर पे लगाया है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा रियल लुक दे रहा है। और अब ये जो येलो वाला बैकग्राउंड है, इस पर मैं एक और बहुत ही सुंदर सा फूलों का घर रखूँगी। ये देखिए, ये है वो, ये यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट वगैरह का यूज़ करके बनाया है। इसका ट्यूटोरियल लास्ट ईयर ही अपलोड किया था, और आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था ये, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। ये देखिए, फूलों का घर, झूला वगैरह सब लग गया है हमारा। अब ये है बहुत ही सुंदर सा सिंहासन, और ये आप इस जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाइएगा। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा ये आप कान्हा जी के लिए। इस पर आप आराम से अपने लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं। और ये किस तरीके का मैंने आसन टाइप का भी बनाया है, यहाँ पे मैंने इसको स्टोन वगैरह से डेकोरेट किया है। ये मैं ये जो छोटा वाला फूल बंगला इसके आगे की तरफ रख दूँगी।
और अब यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी बैठा दिया है, और कान्हा जी ने जो ये पिकॉक ड्रेस पहनी हुई है ये भी मैंने बनानी सिखाई है, और ये जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो रील यानी कि जो स्टिचिंग थ्रेड होता है उससे मैंने बनाई थी। मैं अपने कान्हा जी के लिए जो भी बनाती हूँ सभी आप लोगों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करती हूँ, तो आप हमारा चैनल चेक कर सकते हैं फॉर ऑल द ट्यूटोरियल्स। एंड ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे हम कुछ टॉयज वगैरह लगा देते हैं। तो ये मेरे पास एक इस तरीके का डियर का शोपीस है, हिरण का, जिसको मैं यहाँ पे आगे की साइड पे कुछ इस तरीके से लगा दूँगी। और सेम इसी टाइप में मेरे पास एलिफेंट का शोपीस भी है, ये देखिए ये दो बहुत ही क्यूट से छोटे से एलिफेंट्स का शोपीस है, इसे भी हम कुछ इसी तरीके से लगा देंगे। और आप कान्हा जी के डेकोरेशन में जितने ज़्यादा टॉयज़ और बर्ड्स का यूज़ करेंगे वो उतनी खिल के आएगी आपकी डेकोरेशन। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से एनिमल्स वगैरह लगा दिए हैं, बर्ड्स भी छोटे छोटे जगह जगह रखे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब डेकोरेशन में आप इस तरीके का भी कुछ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी को पेंट करके उसमें कलर फिल करके बीच में फोम का फ्लावर रखा है, इस तरीके की दो मैंने यहाँ पे डेकोरेट करके रखी हुई हैं। ये फ्लावर पॉट्स है, ये भी मैं 20-20 रुपीज़ में मार्केट से कुछ टाइम पहले लेके आई थी, आई थॉट सो लास्ट ईयर ही लेके आई थी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुई है, और मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, मेरे ब्रदर का भी एक चैनल है जिसका नाम है टॉप्स ट्रेंडिंग, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, तो आप उनका चैनल ज़रूर से ज़रूर चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट करें ताकि उन्हें और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने का। और यहाँ पे लाइटिंग के साथ हमारी जन्माष्टमी डेकोरेशन और भी खिल के आई है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो इस जन्माष्टमी पे आप हमारे आइडियाज़ को फॉलो करके इस तरीके से सुंदर तरीके से सजावट कर सकते हैं, और पहले भी मैंने कई वीडियोस दिए थे जन्माष्टमी डेकोरेशन के रिलेटेड, उसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, तो आप लोगों का दिल से थैंक यू। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि डेकोरेशन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।